हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लासिक की रियर सीट विद बॉक्स एंड चार्जर। इसमें चार्जर भी है। आइए मैं इसमें वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता हो, चार्जिंग भी कर कर दिखाऊंगा। तो जैसे कि आपने अगर बिल्ला ब्लिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स मैं डे बाई डे अपडेट कर रहा हूँ। वहाँ पे मेरी पूरी कैटलॉग मिल जाएगी विद प्राइजेस। आपकी आपको रॉयल एनफील्ड की, यामाहा की, किसी बाइक का कोई भी चीज़ चाहिए हो तो इंटरनेट से उसका फोटो लो, उसका कहीं भी किसी भी वीडियो से स्क्रीनशॉट लो या इंस्टाग्राम अकाउंट से किसी के भी स्क्रीनशॉट लो, मेरे साथ शेयर करो, उसका मैं आपको प्राइस बताऊंगा और वो लाकर मैं दूंगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी पहली बार विजिट किया, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूँ, रॉयल एनफील्ड का कोई भी एक्सेसरीज होती है मैं उनको डिलीवर करता हूँ, इवन पार्ट्स, विंटेज पार्ट्स, सब कुछ मैं डिलीवर करता हूँ उनके घर तक। सिर्फ आपको वही, फिर मैंने फिर दोबारा से बता दूँ, वही प्रोसीजर है। आप फोटो मुझसे फोटो शेयर करो, प्राइस पूछो, मैं आपको प्राइस बताऊँगा और आपके घर बाई कोरियर पहुँच जाएगा। मगर पेमेंट पहले ही करना होती है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती। कैश ऑन डिलीवरी इस वजह से नहीं होती है ताकि उसको कैश ऑन डिलीवरी देने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, और जो 200 की चीज़ है आपको उसके लिए 400 पे करना पड़ेगा, उसमें डिलीवरी चार्ज भी ज़्यादा हो जाता है, हैंडलिंग चार्ज और बहुत सारे ऊपर से चार्ज। कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे पाता हूँ मैं। सामान तो सबको डिलीवर होता है, और मेरे कमेंट्स देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं कैसे काम करता हूँ। तो बाकी आपको ये पिलियन सीट होती है, रियर वाली सीट जो है क्लासिक की, ये दिखाता हूँ मैं आपको, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है क्लासिक की रियर सीट, बॉक्स वाली, स्टोरेज वाली। ये तो मैंने पहले भी बहुत सेल कर दी है, मगर इसकी स्पेशल वीडियो अभी बना रहा हूँ क्योंकि लोगों की डिमांड आने लगी थी, इसकी वीडियो बनाई। तो एक भैया ने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा था कि ये वाली सीट है, मैंने कहा है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें चार्जिंग वाला सिस्टम है, मैंने कहा नहीं है, तो अगर इसके अंदर चार्जिंग वाला सिस्टम नहीं है तो मैं नहीं ले पाऊंगा। तो मैंने बोला कि अगर आप चार्जिंग वाला सिस्टम चाहते हैं तो मैं कोई ना कोई जुगाड़ करता हूँ। तो उसी टाइम मैंने क्या किया, देखिए ये स्टोरेज वाली सीट है, इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं। मैंने क्या किया, ये एक स्विच मेरे पास में मिलता है, इसकी मैं अलग से भी कीमत आपको बताता हूँ कि 250 रुपये के आसपास होता है ये। आप इससे हजार्ड लाइट भी ऑन ऑफ कर सकते हैं या कुछ भी, इसको हेडलाइट ऑन ऑफ कर में यूज़ कर सकते हो। इसके साथ में प्लस पॉइंट ये है कि USB चार्जर इसके साथ में मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का, जो आप रबर से बंद भी कर सकते हैं और ये खोल भी सकते हैं। इधर इसका इंडिकेटर दे रखा है जो कि मैं अभी चला कर आपको दिखाऊंगा। तो इससे आप कोई भी सिस्टम कर सकते हैं, कोई भी अपनी लाइट जला बुझा सकते हैं, फॉग लाइट। तो मेरे माइंड में बात आई कि मैंने सोचा कि क्या करूं, फिर मैंने ये हैंडल पे लगने वाला स्विच इसके अंदर लगाया। वो कैसे, मेरे पास ड्रिल मशीन नहीं थी, तुरंत मैं भागता हुआ गया। अब जैसे कि लोग भी मुझसे बोलते हैं कि मैं अपने काम के लिए बहुत ही पैशनेट हूँ, तो जितना वो अगर कोई मुझसे बोल देता है कि ये सामान मिल जाएगा तो मेरे ना मन में चाहत उठ जाती है, ये क्यों ना छोटा से छोटा हो या बड़ा सामान हो, मैं इसको पहुँचाऊँ। तो उन्होंने, भैया ने मुझसे बोला कि इसमें मुझे चार्जिंग सिस्टम चाहिए, तो मैंने अपना दिमाग दौड़ाया, फिर मैंने इसमें उसी टाइम ड्रिल लाकर और बिट लाकर, लोहे वाली, लोहा काटने वाली, मैंने यहाँ पर एक ड्रिल इधर किया और इसकी वायर्स निकालने के लिए एक ड्रिल इधर किया, एक ड्रिल इधर, इससे ये स्विच फिक्स हो गया और यहाँ से ये तार मैंने निकाल दिया। तो इससे चार्जिंग वाली ये सीट बन गई, और इसमें आप कुछ भी बॉक्स में कुछ भी रख सकते हो। देखिए 750 ml की बॉटल है, जो कि गर्मियों का मौसम है तो इसमें अब ज़रूरत इसकी पड़ेगी, तो आप इसमें ये बॉटल आराम से रख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे करके। और यहाँ पर अब भी फ़ोन की जगह बची है, इसको आप लगाकर यहाँ पर USB लगाकर अपने फ़ोन को चलते हुए चार्ज कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और देखिए ये इसके अंदर लॉक सिस्टम है, इधर लॉक सिस्टम दे रखा है, देखिए ये बॉटल कितनी आसानी से आ गई है। कोई भी आप अपनी छोटी नोटबुक भी रख सकते हैं, देखिए छोटी नोटबुक भी आ सकती है, इसको नीचे ही ऊपर रखिए। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गई क्लोज, और इधर से हम घुमाकर इसको लॉक कर देंगे। अब देखिए ये पूरी सेट आ रही है, देखिए ऊपर आ रही है, और इसमें आपको कोई भी कलर मिलने वाला है, जो भी आपको कलर चाहिए उसका भी स्क्रीनशॉट देना कि ये कलर चाहिए। और देखिए इसको अनलॉक करा, अब देखिए ये खुल गई। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है मेरी नज़र में, क्लासिक में ये पिलियन सीट है, पीछे ये आराम से लग जाएगी, आप लगा सकते हैं। बाकी इसमें मैं आपको चार्जिंग करके दिखाता हूँ, और लेने का प्रोसेस मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट दो और फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़ॉन पे, पेटीएम से आप पेमेंट करोगे, इसकी जो भी कीमत है उस टाइम जो होगी मैं बताऊँगा, क्योंकि रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, फ्लक्चुएशन होता रहता है रेट में। तो प्राइस अभी कुछ बताऊँगा, बाद में कुछ होगा तो वो बात अच्छी नहीं रहती है, मैं आपको प्राइस बता दूँगा। तो ये मैंने आपको दिखा दी है हर साइड से, इधर से भी दिखा देता हूँ, देखिए ये है ये सीट बॉक्स वाली, इसको हम लॉक करने के बाद में ये चाबी अपने पास रख सकते हैं। और देखिए अब ये लॉक हो गई है, इसमें बहुत ही आसानी से इसको लगाओ और इसको यूँ अनलॉक कर दिया। और देखिए मैंने इसमें क्या क्या रखा है, ये एक डायरी है, ये एक बॉटल है, और अब भी थोड़ा सा स्पेस बचा होता है, अब ये बॉटल रखने के बाद भी थोड़ा बहुत स्पेस बचा हुआ है, अपने कोई भी चाबी, घर की चाबी, कुछ भी आप रख सकते हो, जो भी आप रखना चाहो वो तो आपके ऊपर है, तो ये आप मुझसे ले सकते हैं। बाकी आपको मैं चार्जिंग करके दिखाता हूँ, इसमें चार्जर है,
बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव इसके लगा दिए, इसके अंदर देखिए ये लाइट इंडिकेटर आ गया, इसका मतलब ये चालू हो गया। इसमें हमने ये यूएसबी है ये लगा दी, यूएसबी 2.0 लगा दी। यहाँ पर मैं आपको इसकी चार्जिंग चेक कराता हूँ, ये इसकी केबल है, ये हम फ़ोन में लगाएंगे। इसकी केबल मैंने फ़ोन में लगा दी, देखिए अब चार्जिंग आ गई है, अभी चार्जिंग चलती हुई दिखाता हूँ। देखिए इसमें चार्जिंग चलने लगी, 76% है, ये यूएसबी जा रही है इधर, इसमें यूएसबी चार्जर में, इधर आप देख सकते हैं ये चार्जिंग चालू हो गई है। ये बिल्कुल चार्जर परफेक्टली काम कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ये चार्जर है, तो इसमें चार्जिंग चालू है। अभी हम इसको आराम से इसके अंदर रख सकते हैं और ट्रैवल भी कर सकते हैं, कभी भी ये आपको चार्जर दिक्कत नहीं देने वाला है। कभी भी आपकी रास्ते में बैटरी ख़त्म हो गई इमरजेंसी में तो आप इसको चालू रख सकते हैं। इसकी छोटी यूएसबी भी आती है, वो भी लगाकर आप इसको रख सकते हैं। देखिए अभी भी इसमें चार्जिंग चालू है, अब इसको आप ऐसे बंद करके लॉक कर सकते हैं, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं इधर लॉक लगा हुआ है, आराम से आप इस पर बैठ सकते हैं। इसमें आपका फ़ोन प्रोटेक्शन के साथ में, फुल प्रोटेक्शन के साथ में कहीं नहीं गिरने वाला, अंदर ही रहेगा। आप इसके ऊपर बैठ भी सकते हैं, फ़ोन को कुछ नहीं होने वाला, आपकी चार्जिंग चलती रहेगी। तो ये एक मैं बेहतरीन चीज़ लेकर आया था आप लोगों के लिए, तो मैंने आपको दिखा दी। तो फ्रेंड्स, अच्छी और बेहतर वीडियोस लाने का मेरा आपसे वादा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लाने का मेरा आपसे वादा रहा है, जो कि मैं पूरा करता हूँ, करता रहूँगा, और बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज़ आपके लिए लेकर आने वाला हूँ और लेकर आता रहूँगा। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, विंटेज बुलेट जो कि आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, G2 बुलेट, उसका मेरे पास ऑलमोस्ट 80% तो सामान आ गया है। बिलबलिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम मेरा देखते रहा करो, विजिट करते रहो, और मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा व्हाट्सएप लिंक और इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना, उसमें आप इंस्टाग्राम मेरा फॉलो करना, वहाँ पर जाके मेरे सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। प्राइस भी है, प्राइस अगर नहीं लिखा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बाकी ऐसी बेहतर चीज़ मैं लाता रहूँगा, और G2 बुलेट का मेरे पास 80-90% सारा सामान आ चुका है, धीरे धीरे मैं अपनी वीडियोज़ में दिखाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल और सब्सक्राइब कर लो, जो भी क्वेरी हो व्हाट्सएप में बता देना। थैंक यू।